यहाँ से केवाल की ओर जाते थे तो आगे जाकर सड़क बन चुका है, बीच में जो सड़क खराब है उसके वजह से कितना हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ता था, कितना हम लोगों को अपने लोगों की बात को सुनना पड़ता था। वो तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम कार्य को देखते हुए हम लोगों ने प्रयासरत यह कार्य किया कि सड़क को हम कैसे अपने लोगों के बीच में जाकर इसको शिलान्यास करें। और जो सड़क हमारे लोगों की मांग था, इस क्षेत्र में जाने वाले लोगों की जो मांग थी, उस मांग को हम लोग कैसे पूरा करने के काम करें, इस चीज़ को आज हम आप लोगों के बीच में एक तोहफा के रूप में देने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। और एक तोहफा के रूप में क्या है कि भाई किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी गांव के लिए और किसी भी जिला के लिए, समाज के लिए, अगर उसका सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य है तो उस गाँव के लिए सड़क कार्य है। सड़क के बिना जीवन अधूरा है, गाँव में बिजली के बिना जीवन अधूरा है, जिस गांव में पानी की व्यवस्था न हो उस गांव में पानी के बिना जीवन अधूरा है। और इंसान को जीने के लिए तीन चार चीज की जरूरत होती है, ऐसे तो लोग अपने घर में क्या खा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं जानता है, किसके मन में किसके प्रति क्या चल रहा है, किसके मन में कौन किस हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये कोई जानता नहीं है। लेकिन जब उस गांव का अगर विकास अगर कोई आईना होता है, उस गांव में आने वाला सड़क होता है और उस गांव में जलने वाला बल्ब होता है, हम कैसे करें, इस चीज़ पर हम सभी लोग बराबर फोकस करने के काम करते हैं। साथियों, आज इस सड़क की बात हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आपके क्षेत्र में चार पांच सड़क हम लोगों ने पहले बना चुका है और अभी और दो चार एक आध महीना के अंदर हम लोग अभी दो तीन सड़क और लाने वाले हैं। जैसे हम तमाम लोग कह सकते हैं कि 2014 से पहले और आज के पहले में क्या अंतर है, इसको आप सबों को जानने की जरूरत है। और 2014 के प्रतिनिधि को भी यही अधिकार था जो आज का प्रतिनिधि का वही अधिकार है, उसके अंदर में भी विधायिका का अधिकार था, सड़क बनाना, गांव